गुड मॉर्निंग 10th क्लास, चैप्टर 15, आवर एनवायरनमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिकम्पोजर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि क्या करते हैं, जो कोई भी वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, उसको यूजफुल सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फूड चेन्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी और बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फूड चेन क्या होगी? देखो, जो कोई भी फूड हमने खाया है, वो फूड हमें क्या दे रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन्स। ठीक है, चेन्स का मतलब आप समझते हो, मतलब एक कनेक्शन बन जाएगा। उस कनेक्शन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक क्या होगा, फूड और यू कैन से एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, उस कनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, फूड चेन बोल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फूड चेन इज अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट कर रहा है फूड चेन को, वो क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद से बना पाएंगे, मतलब क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, द सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस का मतलब समझ, एक लाइनअप में रहेगा, सब कुछ सिस्टम में रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स, कंज्यूम का मतलब क्या, उसका इनटेक कर लेगा, उसको खा लेगा अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में क्या हो जाए, फूड एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है उसको, तो उसको क्या बोल रहे हैं, उस सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चेन बोल देंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु ईट्स हुम, कि कौन किसको खा रहा है, ये लिस्ट जो हमें देखने को मिल रही है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फूड चेन बोल सकते हैं। अभी आपके सामने एक सिंपल सी फूड चेन है। ठीक है, सो ग्रास, डियर, लॉयन, ये पिक्चर के थ्रू भी दिखा रखा है इसको। दिस फूड चेन टेल्स अस दैट ग्रास इज स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रास क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा किसी भी फूड चेन का, ऑलवेज प्रोड्यूसर स्टार्ट करेंगे, और प्रोड्यूसर क्या है हमारे पास अब इस चेन में, ग्रास। ठीक है, तो ग्रास यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रही है, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर रही है। द ग्रास इज ईटन अप बाय द डियर, ग्रास को कौन खा लेगा, डियर, और डियर को फिर कौन खा रहा है, लोयन। ठीक है, डियर क्या, एक हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसको खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, जो उन प्लांट्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होंगे, जो दूसरे किसी एनिमल को खा जाएंगे, वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, ये सब तो हमने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है। सो इन दिस फूड चेन, ग्रास इज द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म विच यूजेस सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था ग्लूकोज जो बनता है फूड प्लांट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट सनलाइट का यूज करेंगे और उनसे इनके जो बॉडी है उसमें क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि इनका फूड है उसकी फॉर्मेशन होगी। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट हम लिख सकते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ग्रास को खा लिया किसने, हर्बीवोर, तो कंज्यूमर कौन बना, हर्बीवोर। ठीक है, कंज्यूम करने वाले क्या होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं जो खा लेंगे। तो एक कंज्यूमर हमारे पास क्या है, ये डियर, एंड द डियर इज कंज्यूम्ड बाय कार्निवोर लोयन। ठीक है, तो लोयन ने भी इसको खा लिया, तो ये दोनों के दोनों क्या है, कंज्यूमर है, क्योंकि डियर ने भी तो ग्रास को कंज्यूम किया, उसको खाया, तो ये भी कंज्यूमर। लोयन ने किसको खा लिया, इस डियर को खा लिया, तो ये भी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या हुआ, ये दोनों क्या बने, कंज्यूमर बने। ठीक है, तो इस तरह से ग्रास में जो एनर्जी थी, वो एनर्जी फूड की फॉर्म में इस डियर में गई होगी, डियर की बॉडी में जो एनर्जी थी, वो फूड की फॉर्म में इस लॉयन की बॉडी में ट्रांसफर होगी होगी। और फूड चेन क्या कर रही है, एक सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को शो करेगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल डायरेक्शन का मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मतलब एरो से आप समझ सकते हैं, इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई, तो एक ही डायरेक्शन, एरो कभी भी इन्वर्ट नहीं होगा। लोयन कभी भी किसी डियर को एनर्जी नहीं दे सकता, डियर कभी भी किसी
ग्रास को एनर्जी नहीं दे सकता, तो डायरेक्शन है जो एनर्जी की वो क्या होगी, एक रहेगी, मतलब यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा एनर्जी का, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट फूड चेन में हमने डिस्कस किया था तीन ऑर्गेनिज्म थे, फूड चेन है जो वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से भी मिलके बन सकती है, जैसे कि इस फूड चेन में फोर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। प्रोड्यूसर ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खा सकते हैं, इंसेक्ट जो कोई भी ग्रासेस को खाएंगे वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या, जो हरे प्लांट्स को खाएंगे। फिर फ्रॉग ने क्या किया, इस इंसेक्ट को खा लिया, तो ये क्या है, कार्निवोर। और इस फ्रॉग को किसी बर्ड ने खा लिया होगा तो वो क्या बन गया हमारे पास, टॉप कार्निवोर, मतलब लार्ज कार्निवोर बन गया। तो ये तो सिंपल कार्निवोर, और इस कार्निवोर को भी खाने वाला कौन आ गया है, टॉप कार्निवोर, मतलब वो बर्ड आ गया। अब बर्ड को भी कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाएगा तो वो इससे भी टॉप कार्निवोर रहेगा, बट इस फूड चेन में बर्ड क्या है, टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो ये फोर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई फूड चेन है। प्लांट्स क्या, ग्रासेस क्या है, इसमें प्रोड्यूसर की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल प्लांट्स है, प्लांट्स को वॉर्म्स जो कीड़े हैं उन्होंने खा लिया, वॉर्म्स को बर्ड्स ने खा लिया, बर्ड्स क्या है, कार्निवोर होंगे क्योंकि किसी दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स किसी दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। सो नेक्स्ट फिर कैट क्या करेगी, इस बर्ड को खा जाएगी, देखो ये खा रही है ना इस बर्ड को, तो ये क्या बन गई यहाँ पे इस फूड चेन में, टॉप कार्निवोर, जो लास्ट में खा रहा है ना वो क्या होता है, टॉप कार्निवोर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है फूड वेब। वेब का मतलब आप समझते हो, नेटवर्क, जैसे आपने स्पाइडरमैन को देखा होगा वो क्या बनाता है, एक जाला सा बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वेब बोल देंगे, एक नेट बोल देंगे, ठीक है। तो वेब का मतलब क्या होता है, नेट। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में आपस में कनेक्टेड हुई जो चेन्स हैं, विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड अ फूड वेब। फूड वेब में क्या होगा, बहुत सारी चेन्स क्या करती हैं, एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करती है। नेटवर्क का मतलब क्या है, वो आपस में कनेक्टेड है। अब नेटवर्क से क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो रहा है, मतलब एक फूड चेन के ऑर्गेनिज्म दूसरी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चेन्स का जो ग्रुप बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, फूड वेब। फूड चेन तो क्या, एक सिंगल चेन बन गई, ठीक है। अब ये बहुत सारी चेन्स आपस में जब मिल जाएंगी और एक नेटवर्क बन जाएगा जिससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपस में रिलेटेड होंगी, इंटरकनेक्टेड होगी। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या होता है, आपस में कनेक्ट हो जाना। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं जो एक इकोसिस्टम की, उन इंटरकनेक्टेड फूड चेन से जो नेटवर्क बना वो नेटवर्क क्या था, फूड वेब, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क है फूड चेन्स का, बहुत सारे फूड चेन्स दिखाई दे रही ना, टोटल इस फूड वेब में, ये फूड वेब बन गया ना, बहुत सारी चेन्स जब आपस में कनेक्शन शो कर रही है तो एक नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है हमें, इस नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया, फूड वेब बोल दिया, ठीक है। इस फूड वेब में हमें 6 चेन्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट चेन स्टार्ट करते हैं, देखो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर। प्लांट्स को कौन खा गया, रैबिट, ठीक है। रैबिट को किसने खा लिया, हॉक। हॉक क्या होता है, जो बाज जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हॉक, ठीक है। एक फूड चेन ये हो गई, एनर्जी का ट्रांसफर देखो यूनिडायरेक्शनली, ऐसे एरो दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट में देखो प्लांट्स से प्रोड्यूसर, इन प्लांट्स को माइस भी खा सकती है, और माइस को कौन खा सकता है, होप, जो बाज है वो भी खा सकता है, और माइस को कौन भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है। तो तीन फूड चेन बन गई ना, फर्स्ट ये वाली, सेकेंड ये वाली, और थर्ड ये वाली, प्लांट, माइस और स्नेक की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, प्लांट्स को ग्रास होपर ने खाया, ठीक है। ग्रास होपर को किसने खा लिया, फिर हॉक ने खा लिया, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास क्या बन गई, फूड चेन बन गई। प्लांट्स को सीड ईटिंग बर्ड्स ने खा लिया, ऐसे बर्ड्स जो सीड्स को खाएंगे जो दूसरे एनिमल्स को नहीं खा रहे थे, तो बर्ड ने खाया, बर्ड को इस बड़े बर्ड ने, हॉक ने, हॉक ने खा लिया, ठीक है। तो प्लांट्स, सीड ईटिंग बर्ड और हॉक, ये बन गई हमारे पास फोर्थ चेन। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं हम, प्लांट्स, ग्रास होपर एंड द हॉक, तो ये हमारी फिफ्थ हुई। सिक्स्थ चेन क्या होगी, प्लांट्स,
ग्रास होपर, और ग्रास होपर को कोई और फ्रॉग खा जाए और फ्रॉग को कोई और कार्निवोर खा जाए। तो ये इस फूड चेन में देखो चार ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड हो गए, चार, एक ये फिफ्थ ये होक हो गया, तो ये पांच ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड है। अब प्लांट्स प्रोड्यूसर, ग्रास होपर क्या हो गया हर्बीवोर, और फ्रॉग क्या बन गए कार्निवोर, स्नेक क्या बन गया कार्निवोर, और होक क्या बन गया यहाँ पे टॉप कार्निवोर, जो इसको भी खा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये छह फूड चेन आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट फूड चेन में क्या देखा हमने कि रैबिट था, प्लांट थे, रैबिट था और होक था। सेकेंड फूड चेन में प्लांट, माइस और होक। थर्ड फूड चेन में प्लांट्स, माइस, स्नेक और होक। फोर्थ में प्लांट, सीड ईटिंग बर्ड और होक। फिफ्थ में प्लांट्स, ग्रास होपर, होक। और सिक्स्थ में प्लांट्स, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक और होक। तो ये पांच ऑर्गेनिज्म से मिलके बनी हुई फूड चेन है। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड चेन और फूड वेब रहेंगे। एक जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है इसको चेन बोलेंगे। बहुत सारी चेन्स का जो सीक्वेंस आपस में कनेक्टेड होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, फूड वेब बोल देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स के लिए आप अच्छे से करेंगे इसको रिवाइज। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।